रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 दिन ब दिन ये सरगर्मी बढ़ रही है। दिन ब दिन जो है यहां पर चुनावों के बीच देखा जा रहा है कि जुबानी जंग भी जारी है। ऐसे में कई सीटें अहम हैं, अमेठी की सीट अहम है, कहीं ना कहीं बेगूसराय की सीट भी अहम बताई जा रही है। अब ऐसे में राय बरेली भी काफी ज्यादा अहम सीट है। राय बरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ है, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जहां से चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम फैक्ट्स और फिगर की आज हम बात करेंगे, तमाम हम आपको आंकड़े बताएंगे कि किस तरह से राय रैली में कांग्रेस की जीत निश्चित है, कांग्रेस की जीत पक्की है और ये झटका नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी पार्टी को भी लगेगा। क्योंकि अगर हम नमो लहर की बात करें तो नमो लहर पिछले साल के मुताबिक यानी कि पिछले 5 साल के मुताबिक अब कम होता देखा जा रहा है, क्योंकि जनता को जो वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे, बेरोजगारी के यहाँ पर वादे किए गए थे, नौकरी के वादे किए गए थे, किसानों के मुद्दे के वादे किए गए, यानी कि तमाम ऐसे जो वादे किए गए वो हालांकि वादे पूरे नहीं हुए हैं, मगर अब भी नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस अब की बार भी मोदी सरकार को ही वोट करें। राय बरेली की जनता और राय बरेली के आंकड़े क्या कहते हैं कि क्या अब की बारी यहां से मौका देंगी वो बीजेपी को या फिर कांग्रेस के हाथ ये जीत लगेगी, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। राय बरेली लोकसभा सीट पर पिछले 15 सालों से सांसद चुने जाने वाली UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस बार भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त देखी जा रही है। जाहिर है इस बार स्वास्थ्य कारणों की वजह से सोनिया प्रचार में भी काफी कम दिख रही है। उनकी बेटी प्रियंका गांधी इस बार उनके लिए संसदीय क्षेत्र में प्रचार का जिम्मा उठाती भी नजर आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस पार्टी से NLC थे, वहीं सपा बसपा गठबंधन ने इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिनेश प्रताप सिंह का राजनीतिक कद छोटा होने की वजह से सोनिया गांधी को फायदा मिलेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि रायबरेली के लोग गांधी परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने इलाके के विकास के लिए भी काफी काम किया। गठबंधन उम्मीदवार नहीं होने की वजह से कांग्रेस को यहां से फायदा मिलेगा और रायबरेली से जीत भी हो सकती है। अब ऐसे में हम आपको बताते हैं कि दरअसल रायबरेली सीट पर कांग्रेस का इतिहास क्या रहा। रायबरेली लोकसभा सीट का अस्तित्व पहली बार 1957 में आया। इससे पहले ये इलाका प्रतापगढ़ उत्तर और रायबरेली पूर्व लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था। 1952 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी और बैजनाथ कुरी यहां से चुनाव लड़े। इसके बाद 1957 में एक बार फिर से दोनों इस सीट से चुनाव लड़ने आए। हालांकि 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को हार्ट अटैक हो गया और अचानक से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यहां से उपचुनाव कराए जाने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार RP सिंह ने विजय दर्ज की। साल 1962 में ये सीट दलित वर्ग के लिए सुरक्षित कर दी गई। इस वजह से यहां से तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बैजनाथ कुरिल बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे और मात्र 14,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कराने के सफल रहे। अगले लोकसभा चुनावी यानी कि 1967 में एक बार फिर से ये सीट सामान्य कर दी गई, जिसके बाद पहली बार इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में उतरी। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और राज्यसभा से सांसद भी हुआ करती थी। इंदिरा गांधी पहली बार चुनावी लड़ाई पर 92,000 वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रही। इसके बाद एक बार फिर से 1971 में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए तो इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण को 1,11,000 वोटों से हराया। इमरजेंसी के बाद रायबरेली में कैसा बदलाव राजनीति समीकरण रहा। हालांकि इस चुनाव के बाद काफी विवाद हुआ और कहा यह जाता रहा कि इमरजेंसी की बुनियाद यही पड़ी थी। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव में जब राज नारायण को हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी की जीत को चुनौती दे दी। राज नारायण की दलित थे,
चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, इसलिए चुनाव को निरस्त किया जाता था। हाईकोर्ट ने इंदिरा के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन इंदिरा इसे चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थग के आदेश दे दिए। हालांकि ये तय किया गया कि वो लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा तो ले सकती हैं, लेकिन वोट करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा। फिर क्या था, विपक्ष इंदिरा गांधी पर हमला करता रहा। ऐसे में यहाँ पर रायबरेली की अगर जनता की बात करें तो ये काफी पुराना सिलसिला है और कहीं ना कहीं गांधी परिवार रायबरेली में यहाँ पर अपनी बुनियादों को मजबूत कर चुका है। अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो साल 2004 में लोकसभा चुनाव तो हुआ, सोनिया गांधी यहाँ से लोकसभा सांसद चुनी गई, तब से लेकर अब तक वो लगातार वहां से चुनाव लड़ती आई है। लेकिन इसी बीच 2006 में लाभपत का विवाद को लेकर उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। रायबरेली लोकसभा पैच, रायबरेली लोकसभा सीट पर कुल 16,97,902 वोटर हैं, जिसमें से 8,91,1978 पुरुष मतदाता है, जबकि 8,05,874 महिला मतदाता है। रायबरेली संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा हैं, जिसमें से रायबरेली सदर, हस्तचंदपुर, उचावा, सैरनी और बछुआरा विधानसभा सीट है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका तो लगेगा ही, क्योंकि रायबरेली जो है वो गढ़ बताई जाती है कांग्रेस की, और जिस तरह से हमने यहाँ पर कुछ आपको पुरानी चीजों से भी रूबरू करवाया, तो ये कहना भी गलत नहीं है कि नरेंद्र मोदी रायबरेली से झटका जरूर खाएंगे।